Om Swaste Sri Ganeshaya Namaha Sri Sarasvatiye Namaha Guru Bhyo Namaha Om Sarva Chetanya Rupam Tam Adhya Vidya Chadhimahi Buddhiyo Naha Prachodayat Sarva Badha Prasansaman Sri Lokya Akhileshwarim Evevcha Karyaha Devi Bhagavati Jambika Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Sansita Namastasyai 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 Namo Namam Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi Rupena Sansita Namastasyai 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 Namo Namam Ya Devi Sarva Bhuteshu Matru Rupena Sansita Namastasyai 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 Namo Namaha Boli Adi Shakti Amme Mat Ki Jai Maha Saraswati Mat Ki Maha Lakshmi Mat Ki Jai Maha Kali Mat Ki Jai Prathamam Saila Putri Cha Dvitiyam Brahmacharanim Tritiyam Chandra Ghanteti Kusmandeti Chaturkam Panchamam Skandam Ateti Sastham Katyayani Cha Saptam Kalaratri Cha Mahagaurita Chastakam Navam Siddhidhatri Cha Navadurga Pratitata Upasthit Huye Adhaniye Bhakta Vrinda Hamare Chote Bhai Jairam Unke Samasta Parivar Mata Pita Jitne Atithigan Unke Nimantran Ko Swikar Karke Aur Yahan Par Padarpan Kiya Hai Sabhi Ko Main Sadhuvaad De Raha Hu हमारे जो मंडली है बेटे लोग बहुत पुराने साथी हैं और बहुत सुंदर ढंग से इस कार्य को संभाल रहे हैं नेता है कथा में आनंद ही आनंद होता है आनंद ही होनी चाहिए माँ भगवती की कृपा सब पर हो यही शुभ कामना मैं ब्याज गाड़ी से दे रहा हूँ आज के रात्रि जो है वो तीसरी रात्रि है चंद्र घंटे थी चंद्र घंटा नाम से माँ की स्वरूप है आज नव दुर्गा है नौ दिन की ये रात्रि है बड़ा सुंदर व्यवस्था भाई जयराम ने की है आप सब आते हैं तो ऐसा लगता है कि कथा कहीं सागर के तट पर चल रही हो सागर है ही यहाँ गंगा बह रही है और ऐसा लगता है कि कहीं दूर वन में सभी बैठे हैं और वो शोभा को प्राप्त हो रही है कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि कृष्ण जो मणि ढूंढने के लिए गए थे खो गए थे और वसुदेव देवकी ने देवी भागवत की कथा गर्गाचार्य से सुनी और नवे दिन भगवान आ गए मणि को लेकर के इतनी बड़ी ताकत है श्रद्धा से सुनी और गर्गाचार्य ने वसुदेव देवकी को भी वंदन किया
और वसुदेव देवकी ने बहुत से दान दक्षिणा देकर गर्गाचार्य से आशीर्वाद ग्रहण किए। आज की कथा आगे बढ़ने से पहले, आज सोमवार है और शिव शक्ति, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। एक सुंदर भजन भगवान शंकर के, जयराम भाई के, और प्रति मैं गा रहा हूँ और मंडली तो बहुत मस्त से गाते हैं साथ में। ये नटराज स्तुति है। भगवान शंकर देखो खड़े हैं, ऐसे लगता है अभी नाचेंगे नाचेंगे ही। तो इसका राग जो है उसको आप पकड़े, नहीं भी पकड़े तो भी साथ दें। स्तुति है भगवान शंकर के, भाव है बड़ा गंभीर, भगवान कैसे नाचते हैं नटराज। ये स्तुति सोमवार है इसलिए हमने कहा भगवान
शंकर को भी आवाहन करें क्योंकि शक्ति की कथा हो रही है, शिव के बिना अधूरा है, क्योंकि श्रद्धा है पार्वती और विश्वास है शंकर, श्रद्धा विश्वास रूपिनो। तो आदरणीय बंधुगण, कथा में आप सब एकाग्रचित होकर कथा का भाव ले रहे हैं कि माता जगदम्बा की कथा है क्या। देवी आराधना में व्यास जी ने जो लिखा है, न मंत्रम नो यंत्रम तदापि न जाने स्तुति महो, न चाहनम ध्यानम तदपि न जाने अस्तुति कथा, न जाने मुद्रस्थिति न जाने विलंबपम, परम जाने नमस्ते वै कलेशावो हरणम मम। बड़ा सुंदर स्त्रोत है, इसका जो विचार बताई है बड़ा सुंदर है कि मैं कि हे माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे स्तुति करूँ, आवाहन भी नहीं मुझे आता है माँ, ना ध्यान हे माँ, ना तुम्हारे मुद्राएं को मैं जानता हूँ और मुझे व्याकुल इसलिए आता है शरीर में थोड़ा सा धीरज कि मैं किस प्रकार से स्तुति करूं तुम्हारी माँ। हे जगदम्बा, हे पराशक्ति, सब दुख और विपत्तियों को हरने वाली माँ आप आधार शक्ति हैं, सबका उद्धार करने वाली कल्याणकारी माँ हो आप, सबके कल्याण, ऐसा नहीं मैं पूजा नहीं जानता हूँ ना विधि जानता हूँ, लेकिन हे माँ इतना जरूर है कि एक पुष्प लेकर तुम्हें प्रार्थना देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बस। लेकिन श्रद्धा से मंत्र की कोई जरूरी नहीं यहाँ बताया, लेकिन प्रेम से गीता में भी श्लोक आया, ना पत्रम ना पुष्पम, क्या चाहिए फल और फूल और तुलसी के पानी, भगवान कृष्ण कहते हैं बस रख दो मेरे आगे, बस हो गया पूजा, उससे बड़ी क्या ताकत है। लोग सोचते हैं मंत्र नहीं जानता हूँ तो कैसे होगा, मंत्र के हृदय से निकला हुआ मंत्र जो है वो भगवान तक पहुँचता है, भाव कीर्तन जो यहाँ होता है ये सब लड़के कितने भाव से गाते हैं वो मुझे मालूम है, अंदर से आता है अंदर के भाव। इस कथा में पृथ्वी न पुत्रस्य जन निवाह शांति सरलता, परम एषा मध्ये विरल तस्मो भगवती जगदम्बा। माँ इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, तुम्हारे संतान बहुत से हैं माँ, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत और चंचल बालक हूँ, और हे माँ आपके शरणागति के आसरा चाहिए, सहारा चाहिए। हे भगवती, हे जगदम्बा, तुम्हारे चरणों के सेवा करने के मुझे कुछ अवसर मिले, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होती है, पूजा होती है, आप सब आते हैं श्रद्धा से, आप भी फल फूल माला पुष्प लेकर आते हैं, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है।
समय निकाल कर आते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। धीरे धीरे कदम किधर चलता है, जहाँ पर माता की कथा होती है, जहाँ माँ की मंदिर हो, उस दिशा में एक पग चलने से 10 पग का फल मिलता है। ऐसे देवी भागवत में कथा आती है, एक पग चलते हैं कि आज चलो, काम छोड़ो, फिर कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कथा में चलना है। कहने का मतलब ये है कि जो सार तत्व है कथा में आने का, वो यही है कि श्रद्धा से, भाव से। देवी भागवत में भी कहा है कि कितना कथा सुनना है उसमें कोई गिनती नहीं है, एक श्लोक भी सुन लिया बस पूरा हो गया। नियम में चाहे आप बैठे पूरे घंटा, दो घंटे, उसका कोई वो नहीं। कथा में आए, प्रार्थना की और चले भी गए, तो भी माँ की कृपा होती है। हे जगदम्बा, प्रतिष्ठा देवा विधिवंती, सेवा कुलतया मया सती भगवती ही तू अस्मिनत देवा। गणेश जी के जन्म देने वाली माता पार्वती, देवताओं की आराधना करते समय और मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए हे जगदम्बा आपकी कृपा हो। आपकी शक्ति अपार है। कुछ आशाएं लेकर के हम आते हैं, क्योंकि संसार में हर एक प्राणी कुछ ना कुछ आशाएं तो रखता है कि हम मंदिर जाएं, हमारा काम बन जाए। बच्चे आते हैं मंदिर में, सरस्वती की वंदना करते हैं कि उनको सरस्वती की कृपा हो, विद्या का अनुष्ठान हो, विद्या पढ़े, आगे बढ़े। जैसे जैसे जितने भगवान हैं उनकी वैसी वैसी शक्ति है, वैसे वैसे उनकी आशीर्वाद आप सब पर मिलती है। जगदम्बा की कृपा, एक बार शरण में हो जाऊं बस, आए हुए शरण में माँ किसी को बिसारती नहीं है। स्वपाको जलवपाको भवति, मधुपाको पहगिरः, निरंतरो रक्तो विचरन्ति, चिरनकोटि कनकय। हे माता, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो फल ही फल हो जाता है, एक अक्षर। मैंने बताया था कि बीज मंत्र है एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बैठते हैं ध्यान में, खाली ओ मंत्र का ध्यान कर लो बस, ओम एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे, बस हो गया काम। मंत्र के वश में है भगवान। आज जगदम्बा एक ही मंत्र का और उसका जो ताकत है वो कान में पड़ जाए बस, पूरा कथा का और मन है जो उसमें आ जाता है। हे जगदम्बा, दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में संपन्न और निकलता है, फिर भी मंत्र एक अक्षर यानी श्रवण करने से भी उनकी भली भांति और सदगति प्रदान हो जाती है। अनेक मुद्राएं भी बताई है देवी भागवत में माँ की। मुद्राएं तो कठिन है, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे सरल है माँ के चरण में यथाशक्ति यथाभक्ति फल फूल पुष्प रख दे, बस हो गया। अलग अलग भाव है, जिसकी इच्छाएं हैं, जैसे कोई माँ के श्रृंगार चढ़ाता है। हमारे मंदिर में, भारतीय मंदिर में, वहाँ पर लाइन लगी रहती है माँ के 16 श्रृंगार, चुनरी, साड़ी, अलंकार,
माँ के रोज साड़ियाँ बदली जाती हैं दो दो बार, इतने लोग आते हैं भाव से। भक्त लोग इतने बिजी रहते हैं, कई वर्ष हमने सेवा की और माँ के चरणों की एक कृपा है बस। भाव से भगवती जगदम्बा के पूजा की जाती है, माता के विधि बताते हैं कि उत्तम फल कैसा होता है, इसका कौन मनुष्य जान सकता है, ये तो बड़ा गंभीर है। माँ की कृपा कहाँ से बरस जाएगी आप नहीं समझ सकते हैं। चिता भस्मने पे गरर संगतिष्ठवो धरो जटाधारी कंठे भुजगंध पशुपतये। भगवती जगदम्बा के जो हैं शंकर जी आधार हैं पशुपति, कितना सुंदर श्लोक में बताया है, भभूत लपेटे हुए हैं भस्म। भगवान शंकर को देखे आप तो कितने सुंदर लग रहे हैं, सर्पों की माला है, भस्म लपेटे हुए हैं, ऊपर से शमशान की विभूति, ऐसी विभूति नहीं। और गले में देखो कितना सुंदर है, और गंगा बह रही है सिर से, गंगाधारी शंकर है। कथा में आती है गंगा जब प्रकट हुई तो बड़ी तेज से बह रही थी, तो भगवान ने जटा में उसको समेट ली और वहाँ से फिर मृत्यु लोक में आई, ऋषिकेश हरिद्वार में आई गंगा। बोलिए गंगा मात की, वो शक्ति का स्वरूप गंगा है। गंगा की भी कथा इस देवी भागवत से जुड़ता है, हर हर गंगे तुम्हारी जय जय हो। भगवान शंकर, हे पशुपति एकाग्र, हे जगदीश, आपके विवाह पराशक्ति के साथ में हुआ है, ऐसे श्लोक आता है, पराशक्ति अम्बा जगदम्बा है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छाएँ नहीं है लेकिन संसार में रह करके तुम्हारी भक्ति करना है। सब लोग सोचते हैं मुझे मोक्ष मिल जाए, लेकिन भक्ति तो करें और मोक्ष तो सरल से मिल जाएगी, सहज से मिल जाएगी। जैसे कल के भजन में आप लोगों ने सुना था, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सज्जन धीरे धीरे, यही मार्ग है। और भगवान शंकर भी मिल जाएंगे और शक्ति भी मिल जाएगी। हे माँ जगत जननी, कौन से सामग्री से तुम्हारी पूजा करूं मुझे भी नहीं मालूम है। हे माँ, मुझे एक भाव ही चाहिए बस, और आपके पूजा हो जाएगी। भाव से करें, श्रद्धा से करें। करुणा निधि महेश्वरी, विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा और सुमरण करता है, कभी कभी लोग ऐसे ही होते हैं जब विपत्ति आ जाती है तब सबके याद आता है। सुख में सुमरण ना करें, दुख में करते हैं सब, सब करे दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख का एको होए। लेकिन हम मानव का यही एक लक्ष्य है, जब पैसा है बड़ा परिवार है तो व्यस्त रह जाते हैं, भूल जाते हैं। जब कुछ विपत आता है तब याद होता है हमने सालाना पूजा नहीं किया, लगता है मंदिर चलो थोड़ा सा दान दे दो, वहाँ पंडित जी थोड़ा देख लो ये राशि, हम लोग के पास तो आते रहते रोज़।
कुछ ऐसा होता है कुछ मालूम नहीं, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई आपने क्या क्या किया, अब एक साल हो गया अभी तो हम कुछ किया नहीं, लेकिन सोचते व्यस्त थे, बाहर गए थे, आए तो टाइम नहीं मिला। तो समय निकालो, समय बड़ा बलवान है, पुरुष नहीं बलवान, काबे अर्जुन खींचो वही धनुष वही बाण। महाभारत की युद्ध समाप्त हो गई और अर्जुन द्वारका में कृष्ण को छोड़कर धीरे धीरे आ रहा था मार्ग में, और उनको एक जो गरीब लोग हैं खड़े थे और उन्होंने उनको थोड़ा सा ठेस पहुंचाया, और आगे आके आते हैं तो वहाँ पर अर्जुन के मुख देखकर धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि आज क्या हो गया तुम्हें इतने उदास। एक समय था जब रथ पर आप बैठते थे, रथ चलाते थे, तो कोई आपको छूने वाला नहीं था, आज क्या हो गया, काबाओं ने लूटा उसको, काबे अर्जुन लूटी हो वही धनुष वही बाण। अर्जुन निराश हो गए, कहा कि क्या बताऊं, जब तक भगवान कृष्ण के साथ था रथ पर तो सब कुछ था, ताकत था, और कौरव डरते थे मुझसे, लेकिन भगवान चले गए तो ना जाने वो ताकत कहाँ चली गई। जीवन रथ के साथ ही कृष्ण थे, कहने का मतलब है भगवान के सुमिरन जब तक है तब तक ये शरीर अच्छा होता है। भगवान चले गए, अर्जुन के रथ भी सूना हो गया और शरीर भी सूना हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उपदेश देते हैं अर्जुन को कि जब तक कृष्ण तुम्हारे साथ थे तब तक तुम्हारी नाम और ताकत कितनी बड़ी थी, कृष्ण द्वारका में लीन हो गए, और अब हमको स्वर्ग लोक को जाना है, चले स्वर्ग को चले। सब वहाँ से स्वर्ग की ओर जाते हैं। कभी भागवत की कथा हुई तो इसको और भी भाव से समझाएंगे, कैसे पांडव स्वर्गारोहण को गए एक के बाद एक, सभी का नाश होता है लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़े, क्योंकि स्वर्ग वो तो जाना है, उनको शरीर से जाना है। बीच में धर्मराज कुत्ते के रूप में आए कि कैसे तू जाएगा, तेरे साथ तो एक कुत्ता है, इसलिए तो यहाँ बैठा है वो ना। भागवत की कथा मैं करता हूँ तो मैं ही उनको याद करता हूँ, मानव से पहले ये कुत्ता लोग आए धरती पर, इनका पहला जन्म हुआ, और घोड़ा दो, फिर बाद में मानव मनुष्य आए। कुत्ते का स्वरूप जो है वो धर्मराज का है। आप सब जानते हैं कि किसी की मृत्यु परिवार में हो तो वो रोते हैं पहले, क्यों रोते हैं आप पीजी वाले सब जानते हैं, तब सब सोचते हैं अरे कौन जाएगा आज गांव से, कोई जाएगा, वो देख लेता है कि आ रहा है अब लेने के लिए हमारे, जो रेख देख करता है और वो रोता है। धर्मराज के अवतार है कुत्ता, और धर्मराज के साथ में वो गए स्वर्ग, और क्या चाहिए, ये भागवत की कथा है। तो माता जगदम्बा कि मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी रहे, इसमें कोई बात नहीं है, मैं पुत्र हूँ तू माँ है, इस भाव को वर्णन करते हुए मत समा मात की नस्ति पापा ध्वासुही त्वम महादेवी यथा योग्यम ता कुरु, हे देवी तेरा समान कोई नहीं है, तू जगदम्बा है, आधार शक्ति है। चले एक कीर्तन भाव से आप सुनाओ भाई, पुराना पचरा के धुन में सुनाओ। Thank you.
आगे की कथा आती है मधु केतव को देवी का वरदान। सूत जी कहते हैं कि हे महान भावो, प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गया था, केवल भगवान विष्णु शेष नाग सैया पर सो रहे थे। उनके कान के मैल से मधु केतव का प्रकट होना हुआ और दानव उत्पन्न हुए, समय अनुसार समुद्र में तैरने लगे। बड़े शक्तिशाली हुए वो, खेल रहे थे जल में, मग्न हो रहे थे। सोचा कि तप करें, दोनों ने मिल करके 1000 वर्ष तक तप की है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, यहाँ पर भी समझने जैसी बात मिलती है। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, एक दो दिन फिर थक जाते हैं। दैत्य ने, दानव ने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। देव नहीं, दानव ने की कठिन तपस्या की। कठिन से कठिन मधु केतव पर प्रसन्न हो गई आदि शक्ति जगदम्बा, माँ की आराधना की। ओत प्रोत ना हो रहा है और आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। दैत्यों के ऊपर माँ की कृपा हो तो मानव के ऊपर क्यों नहीं हो सकती? सरल, लेकिन हम करते नहीं हैं उतना, थोड़ा करते, समय नहीं है। इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें पूर्ण करूंगी। सूत जी कहते इस प्रकार आकाशवाणी सुनने पर मधु केतव ने कहा, हे देवी, हमें इच्छा मरण का वरदान दो। मेरी इच्छा हो तभी मैं मरूं।
कोई मार ना सके। माँ ने जो प्रदान दिया, माँ ने तो बोल दिया हाँ तथा अस्तु, ऐसा ही होगा क्योंकि तब किया है उसकी, उसमें कोई गलत हो नहीं सकती, तप में इतनी बड़ी शक्ति है। और सूत जी कहते हैं देवी यो बर देने पर मधु केतव को अत्यंत अभिमान आ गया कि अब तो कौन मार सकेगा, हम इच्छा से मरेंगे, हम चाहेंगे तब मरेंगे, मेरे पास में तो इतनी बड़ी ताकत हो गई है। यहाँ पर भी एक बड़ा सुंदर और विचार मिलता है, एक शिक्षा प्रद बातें मिलती है कि कभी कभी धन परिवार मान सम्मान पर कोई घमंड ना करे, अभिमान ना करे, सब कुछ शांति प्रेम और सबसे करुणा उदार रहे। आज भगवती जगदम्बा ने मधु केतव को वरदान तो दे दिया। एक दिन घूमते घूमते मधु केतव सोच रहे थे कि ये जल किस पर ठहरा है, इतनी बड़ी पता तो लगाऊं, क्योंकि अब तो ताकत है कहीं जा सकते। नीचे गए, ब्रह्मलोक में चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी देखकर डर गए, अरे ये कौन आया। ब्रह्मा जी इसको प्रणाम नहीं किया, युद्ध करो मुझसे, ताकत है ना, युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि लगता तो है बड़े बलवान हैं, ये तो राक्षस ही है, लेकिन आए तो आए कहाँ से, ऐसे कहाँ आ गए यहाँ मेरे, क्योंकि माँ शक्ति के आशीर्वाद से वो चले गए वहाँ। ब्रह्मा जी बेचारे घबरा गए और वैकुंठ लोक में पहुँचे। ब्रह्मा जी विष्णु को जगाने लगे, विष्णु तो सो रहे थे, जागो संकट आ गई। विष्णु जी तो बड़े योग निद्रा में सो रहे थे, जागे नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करूं, तो ध्यान आया कि चलो आदि शक्ति जगदम्बा को मनाए, और आदि शक्ति जगदम्बा की प्रार्थना की है ब्रह्मा जी। माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई, ब्रह्मा जी ने कहा हे मातेश्वरी, दो राक्षस और मुझसे युद्ध करना चाहते हैं जिनका नाम है मधु और केतव। माँ समझ गई कि ये तो वही हैं जो जिनको मैंने वरदान दिए हैं। सावधान माँ भी सावधान हो गई कि देवताओं के ऊपर आफत आ रहा है, राक्षसों को बल मिला और देवताओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आदि शक्ति जगदम्बा ने और विष्णु को जगाया, विष्णु से कहा तू जा युद्ध कर, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। युद्ध आरंभ हुआ, वो भी एक दो दिन नहीं हजार वर्ष तक चलता था। विष्णु जी थक गए लेकिन शक्ति उनके पास है, आदि शक्ति जगदम्बा आधार खड़ी है और युद्ध चलता रहा। देवता लोग देखते हैं आकाश से कि कितनी बड़ी युद्ध चल रही है, इसको कौन जीत सकता है, असुर जीत जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मधु केतव जीत जाएंगे तो देवता को भागना पड़ेगा। ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे कि भगवान विष्णु तो मेरे कहे पर और युद्ध कर रहे हैं,
लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा उनको शक्ति दे रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मैं जान गया तुम इस जगत के कारण स्वरूप हो, तुम सब कुछ जानती हो, तुम्हारे में तो अपार शक्ति है। आप हे जगत जननी, ऐसी स्थिति छा गई है कि आज दानव मधु केतव के आप स्वयं संहार कर दो। माँ ने वरदान दिया है, लेकिन माँ अब स्वरूप को बदल दी है। वहाँ पर आदि शक्ति जगदम्बा भगवती ब्रह्मा जी के बात सुन करके एक सुंदर स्वरूप को धारण किया। मधु केतव जहाँ युद्ध करना चाहते थे, वहाँ जगदम्बा को देखकर मोहित हो गए, माया में फंस गए और यहाँ पर विष्णु को और सरल हो गया। माँ जगदम्बा तो माया कर रही है, वो लड़ नहीं रही है, वो तो माया दिखा रही है। मधु केतव ने सोचा, ये सुंदरी कहाँ से आ गई, माया में फंसे। भगवान विष्णु ने मल्ल युद्ध किया और मधु केतव थक गए हैं। भगवान विष्णु ने पुनः और उन दोनों से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। आप सोचें, ये कोई इतना तो कलयुग की ही आयु है। अभी तो कलयुग है, कल ही प्रथम चरण है, प्रथम चरण पे कलयुग चल रहा। इतना हजार तक युद्ध चली, आप सोचो भगवान की कितनी बड़ी और विष्णु की महिमा, आदि शक्ति जगदम्बा की पराशक्ति की महिमा, जो दानों को दे दिया और भगवान विष्णु अब सावधान हो गए। मधु केतव से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, अब बताओ, और युद्ध नहीं करना है तो तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए। सूत जी कहते हैं, करुणामय भगवान भगवती के हट्टा सुनी और उस रूप को देखा, भगवान प्रसन्न हो गए। जगदम्बा के रूप को देखकर भगवान ने वंदन किया। सूत जी कहते, श्री हरि की बात सुनकर मधु केतव महान आश्चर्य में पड़ गए कि अब क्या करूं, युद्ध तो करना था लेकिन भगवान विष्णु इधर मांग रहे हैं क्या तुम्हें चाहिए। अब वो घबरा गए और आश्चर्य में पड़ गए, हट गए और मान कर खड़े हो गए। भगवान ने अपने चक्र से उनके मस्तकों को उड़ा दी। भगवती जगदम्बा वहाँ समा गई, धरा में लिप्त हो गई। कहने का मतलब है कि भगवान जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े चोर असुर अभिमानी। रामचरितमानस में आता है, गीता में आता है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भरवती भारतः। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं धरती पर, असुर को संहार करते हैं, साधु संत को उद्धार करते हैं। यही भावना यहाँ भगवान ने की और समुद्र में सारा जो रक्त है मज्जा वो फैल गया। इतने बड़े राक्षस थे, आप सोचें, समुद्र में ढक गए। सूत जी कहते हैं, उसी दिन से पृथ्वी का नाम मेधनी पड़ गया। अनेक नाम है पृथ्वी का, इस रक्त मज्जा से मेधनी नाम भी पृथ्वी का है। 108 नाम है पृथ्वी। बोलिए श्रीमद् भगवती भगवान की जय, आदि शक्ति अम्बे मात की जय, नव दुर्गे मात की जय, नमः पार्वती, हर हर महादेव। ठीक है, सभी लोग शांति से अब आरती के लिए खड़े हो। आरती, दो आरती है यहाँ पर, हमारे श्रद्धा शिव जी आप लोगों को बताएंगे। सभी एक दो आरती
हमारे बेटे लोग गाएंगे और सब लोग साथ में आरती करें। बोले आदि शक्ति अम्बे मात की जय। Thank you.
जो पाठ है जो श्रवण है वो जय भाग
भगवती देवी नमो पर रे जय पाप विनाशनी के दर्शन सब लोग करेंगे प्रार्थना और आज की कथा यहाँ पर विराम। कल पुनः कथा और कुछ लोग सोचते हैं गरबा करने को, तो बुधवार गुरुवार और शुक्रवार तीन दिन थोड़ा गरबा भी यहाँ होगा और कल कथा और फिर बुध कथा भी होगी, लेकिन कथा के बाद भी और गरबा थोड़ा सा समय को मध्य में रखते हुए ठीक है। प्रार्थना करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे ब्रह्मके गौरी नारायणी नमोस्तुते जगदम्बाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि क्षमापनं मन्त्रहीनं भगवती जगदम्बा क्रियाहीनं भगवती जगदम्बाय नमः। अस्तुते सहितेन मोक्षप्रदायिनी भगवती जगदम्बाय नमः। गोलियधारशक्ति अम्बे माते की जय। Wait, 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 wait
Nah.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.